हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, वैसे तो आधे इंडिया में मानसून आ ही चुका है, लेकिन ऐसा लगता है बच्चे आधे इंडिया का एड्रेस मानसून के मैप से डिलीट सा हो गया है। अब भैया, आज नहीं तो कल यहां पर भी बारिश हो ही जाएगी। अब जब तक बारिश नहीं हो रही है ना, मैं आपको बरसात से जुड़े हुए कुछ वर्ड मीनिंग से सिखा देता हूं। अब आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बारिश से जुड़े हुए ऐसे जहरीले जहरीले और बेहतरीन वर्ड मीनिंग्स लेकर आया हूं ना, कि जिनका इस्तेमाल आप बारिश के दौरान गली में कच्छा पहनकर नहाते हुए कर सकते हैं और सामने वाले को दिखा सकते हैं कि आप कितने बड़े अंग्रेज हैं। और भैया, बरसात से जुड़े हुए अंग्रेजी के ऐसे भयंकर वर्ड सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सीखते हैं बरसात से जुड़े कमाल कमाल के वर्ड मीनिंग्स। बारिश का मौसम आ चुका है, बरसातें शुरू हो चुकी हैं और बारिश हो रही है चारों तरफ। भैया, ये बारिश का मौसम चल रहा है। अब भाई, हमारा पहला वर्ड है बारिश का मौसम, और बारिश के मौसम को अंग्रेजी में रेनी सीजन कहते हैं। रेनी सीजन यानी बरसात का मौसम, बारिश का मौसम। और जब भी आपको किसी को बताना है ना कि बारिश का मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है, बरसातें चल रही है, ये बारिश चल रही है, तो भैया इसे बताने के लिए इट इज का इस्तेमाल करते हैं और उसे भी आपस में जोड़ देते हैं। इट्स बरसात का मौसम है, ये बरसात का मौसम चल रहा है। इट्स रेनी सीजन, बरसात का मौसम नहीं है ये, इट इज नॉट रेनी सीजन। अब भैया नेक्स्ट देखो, क्या वीडियो, बारिश हो रही है बाहर एकदम झकास रॉपचिक बारिश हो रही है। बोले तो एकदम, मतलब क्या बोले तो, अबे क्या बोलते हैं वो, बारिश हो रही है बिड़ू। यहाँ भाई हमारे पास दो दो शब्द हैं, एक है बारिश और एक है बारिश होना। अब भाई बारिश को अंग्रेजी में रेन कहते हैं, यह तो तुम्हें पता ही होगा। अब बारिश होने को भी अंग्रेजी में रेन ही कहते हैं, लेकिन इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी है और वो है रेनफॉल। यानी बारिश होने को आप खाली रेन भी कह सकते हैं या आप रेनफॉल भी कह सकते हैं। जैसे मुझे कहना है बारिश हो रही है, तो इसे इंग्लिश में ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज रेनिंग। खाली रेन वाले से ही बना दिया सेंटेंस, और रेनफॉल वाले से बनाओगे तो ऐसे कह दो, रेन इज फॉलिंग झमाझम झम। अब भैया देख लिया आपने, नेक्स्ट वाला देखो। भाई साहब, मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है, ऐसी बारिश हो रही है खतरनाक, मतलब मूसलाधार बारिश। अब भैया ये वाला वर्ड है मूसलाधार बारिश होना, यानी झमाझम बारिश होना, बहुत तगड़ी, बहुत खतरनाक, बहुत तेज बारिश होना। अब इसके लिए अंग्रेजी में दो दिए गए हैं। पहला वाला है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब नहीं कुत्ते बिल्ली बरस रहे ऊपर से, तुम कह रहे हो कहां से कुत्ते बिल्ली आ जाएंगे यहां से। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का हिंदी में मतलब होता है बहुत तेज बारिश होना। ये अंग्रेजों का मुहावरा है, वो ऐसे बोलते हैं, कुत्ते बिल्ली की बारिश हो रही है भागो, अमेरिका में ऐसे बोलते हैं वो लोग। और दूसरा वाला है हेवी रेनफॉल, इसका मतलब भी यही है मूसलाधार बारिश होना। आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे आपको कहना है बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड, यानी बाहर कुत्ते बिल्ली वाली बारिश हो रही है, खतरनाक वाली हो रही है। और दूसरे तरीके से ऐसे कह सकते हैं, इट इज हेवी रेनफॉल आउटसाइड, बाहर बहुत हेवी रेनफॉल हो रहा है। तो भैया मजा आए ना, नेक्स्ट वाले पर नजर मारो। बादल गरज रहे भैया, बादल गरज रहे, हमारी बहुत गरजती है इससे, बादल गरज रहे बादल। अब भैया ये बादल जब गरजते हैं ना, तो सबकी गरजने लग जाती है। अब आई मीन फीलिंग्स। अब भाई बादल गरजने को अंग्रेजी में थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स कहते हैं। थंडरिंग मतलब गर्जन या गरजना, और ऑफ क्लाउड्स मतलब बादलों का, क्योंकि क्लाउड्स माने बादल होता है। और जैसे तुम्हें कहना है बादल गरज रहे हैं, तो तुम इंग्लिश में कह सकते हो क्लाउड्स आर थंडरिंग, यानी थंडर कर रहे, आवाज कर रहे। नेक्स्ट देखो, बिजली खतरनाक, बिजली कड़क रही है, बाहर मत निकलना, बिजली कड़क रही है। ओए होए 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 भैया, ये बिजली चमकने से तो सबको ही डर लगता है। अब बिजली चमकने को अंग्रेजी में लाइट स्पार्क कहते हैं। और जैसे तुम्हें कहना है और बिजली चमक रही है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे द लाइट इज स्पार्किंग। भैया बच के रहना, बिजली चमके तो बाहर मत निकला करो। ओए होए ओले 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 ओले, भैया जब बारिश के साथ ओले पड़ते ना, मुझे बड़ा मजा आता है, मैं तो कोका कोला में मिला के पीता हूँ ये ओले 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 ओले। अब ये ओले पड़ना तो सभी को अच्छा लगता है।
है। अब भैया ओलो को अंग्रेजी में हेल स्टोन्स कहते हैं और ओले गिरने को अंग्रेजी में हेल स्टोन्स फॉलिंग कहते हैं। अब जैसे मान लो ओले गिर रहे हैं बारिश के साथ साथ, वो ओले पड़ते हैं, वो पड़ रहे हैं, तो तुम कह सकते हो अरे द हेल स्टोन्स आर फॉलिंग, यानी ओले गिर रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं। तो भैया ओले इकट्ठे करके रखा करो, बड़ा मजा आता है खेलने में। आज से 400 साल पहले भैया हमारे थोबड़े पे बिजली गिरी थी, आज उसी की दास्तान में तुमको सुनाऊंगा। भैया एक दिन में, अब भैया ये जो बिजली गिरना होता है ना, इसे अंग्रेजी में लाइट स्ट्राइक बोलते हैं। और आपने सुना होगा यहां बिजली गिर गई, वहां बिजली गिर गई, वहां बिजली गिर गई। ऐसे अगर आप कहना चाहते हो ना कि पेड़ पर बिजली गिरी, तो इसे ऐसे बनाएंगे द लाइट स्ट्राइक्ड ऑन द ट्री। भैया ट्री की तो वाट लग गई होगी। मेरे पड़ोस में भी एक बिजली नाम की लोंडिया रहती थी, टिकटॉक बनाते हुए छत से मेरे आंगन में गिरी और भैया कूले की हड्डी पट्टी खिसक गई। जिंदगी में टिकटॉक ना बनाई है वो। भाई साहब दिल्ली में बारिश के बाद जो नालों में नालियों में और गड्ढों में जो पानी इकट्ठा होता है ना, पता ही नहीं चलता बंदा कहाँ चल रहा है और कहाँ पर तैर रहा। भैया नाली का पानी ऐसे भरा रहता है, जेबों में हाथ डालो पैसों की जगह कीचड़ निकलती है। ओह सॉरी। तो भैया अब हमारे पास यहाँ पर चार चार शब्द है। पहला है गड्ढा, दूसरा है नाली, तीसरा है नाला और चौथा है पानी इकट्ठा होना, यानी कि पानी भर जाना बारिश का कहीं पर भी। अब भैया गड्ढे को अंग्रेजी में पिट बोलते हैं और दूसरा है नाली, उसे अंग्रेजी में रनल बोलते हैं। नाले को अंग्रेजी में ड्रेन बोलते हैं और पानी भर जाने को, पानी जमा हो जाने को, पानी इकट्ठा हो जाने को अंग्रेजी में वाटर लॉगिंग कहते हैं। और भैया बारिश में कहीं भी वाटर लॉगिंग हो, भले ही तुम रनल यानी नाली में गिर जाओ, लेकिन ड्रेन और वो जो है तुम्हारा क्या है वो गड्ढा के गड्ढे पिट में मत गिरना, बड़ा बुरा हाल हो जाता है। मैं चार बार गिर चुका हूँ, मुझे ही पता है, मेरे दिल से ही पूछ लो। तुम नेक्स्ट वाली स्लाइड पर नजर मारो। बस भैया बारिश की बूंद हल्की हल्की बढ़ती रहे, हल्की हल्की बौछार सी हो जाए, बंदा अपना काम भी कर ले कि नहीं डर जा। हाँ बंदा अपना काम भी कर ले भैया, मजा आता, मतलब बचपन के दिन याद आ जाते हैं भैया, जैसे करीना ग्राही लेती है। हाय 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 हाय, बौछार पड़ रही है भाई। बारिश की बूंदें किससे अच्छी नहीं लगती हैं, और हल्की हल्की बौछार पड़ना, हल्की बारिश होना, इसमें तो मजा ही बन जाता है। अब बारिश की बूंदों को अंग्रेजी में रेन ड्रॉप्स कहते हैं, ईयर ड्रॉप या आई ड्रॉप मत बोल देना, रेन ड्रॉप्स। और ये जो हल्की हल्की मध्यम मध्यम बारिश होती है, जो बौछार सी फुहार सी पड़ती है, इसे अंग्रेजी में ड्रिजलिंग कहते हैं। हम कहते हैं ना कि हल्की हल्की बारिश हो रही है या फुहार पड़ रही है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे इट इज ड्रिजलिंग। तो ड्रिजलिंग मतलब हल्की हल्की बारिश होना, और पहले जो सिखाया था केट्स एंड डॉग्स और वो हेवी रेनफॉल यानी तेज बारिश होना, मजा है ना। नेक्स्ट वाली स्लाइड देखो। आज तो काली घटा छा रही है, ऐसा लग रहा है सनी आ रही है। काली घटा छा रही है भाई साहब, काली घटा छा रही है, काली घटा। ओफो काली घटा छाए और जिया तड़पाए। अब काली घटा को अंग्रेजी में डीप ब्लैक क्लाउड्स कहते हैं, और जैसे मुझे कहना है कि सुबह से काली घटा छाई हुई है, तो इसे अंग्रेजी में बोलेंगे देयर आर डीप ब्लैक क्लाउड्स सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से। नेक्स्ट देखो। क्या लगा रखा है ये बारिश में, यहाँ पर कीचड़ है और अभी वो गाड़ी निकल कर गई है, हमारी नाक आंख में कीचड़ भर गई है। भैया क्या लगा रखा है, कीचड़ कीचड़ हो रही है, मतलब हम अपना नाक कीचड़ रख ले क्या? अब हमारे पास यहाँ पर दो शब्द हैं, पहला है कीचड़ और दूसरा है कीचड़ की छींटे। अब कीचड़ के लिए अंग्रेजी में दो वर्ड्स हैं, पहला वाला है मड और दूसरा है डर्ट। मड डर्ट दोनों का मतलब कीचड़। और भैया ये जो कीचड़ की छींटे हो जाती है, इन कीचड़ की छींटों को अंग्रेजी में स्प्लैटर बोलते हैं। लेकिन भैया एक कमाल की जानकारी यहां पर मैं आपको दे दूं कि ये जो मड होती है, ये होती है मिट्टी वाली कीचड़, यानी कहीं पर मिट्टी थी उसमें पानी पड़ गया, कीचड़ बन गई, तो उसे कहेंगे मड। और भैया वो जो नाली की काली वाली खुशबूदार बेहतरीन वाली कीचड़ होती है ना, उसे कहते हैं डर्ट। तो मड यानी मिट्टी वाली कीचड़, डर्ट यानी नाली नाले गटर वाली कीचड़। अब तुम डिसाइड कर लो तुम्हारा पैर किस में पड़ना चाहिए। तो भैया ये थी आज की वीडियो बरसात से जुड़े हुए कमाल के वर्ड मीनिंग्स के ऊपर। आई एम श्योर कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपकी नॉलेज भी बढ़ गई होगी। अब आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हमेशा के लिए इंतजार कर रहा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाना एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना, फ्री में फोकट में एक PDF डाउनलोड हो जाएगी, जिस पर मैंने कुछ और बरसात से जुड़े हुए वर्ड मीनिंग्स और फ्रेजेस दे रखे हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। लेकिन डाउनलोड करने से पहले इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना, ताकि उसको मैं अपना और दिल देकर आ सकूं। और उस PDF को और इस वीडियो को हर एक गली के उस लड़के के साथ शेयर करना जो पहली बारिश में छत पे नंगा होकर डांस करता है और नहाता है। और जाते जाते इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।